नमस्कार, मैं हूं देव और एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल पे। आज एक कंपैरिजन रिव्यू करते हैं दो पॉपुलर स्मार्ट वॉच के बारे में। ये बहुत ही मशहूर ब्रांड्स हैं, एप्पल का एप्पल वॉच एसी और सैमसंग का गैलेक्सी वॉच 3। दोनों ही अपने करंट जनरेशन से एक एक जनरेशन पीछे है, लेकिन अभी भी ये जो प्राइस पॉइंट में ये ऑफ़र कर रहा है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। फीचर्स इसमें काफ़ी है और सैमसंग का और एप्पल वॉच का दोनों ही मेरे पास ब्लूटूथ वर्जन है। जो गैलेक्सी वॉच 3 है 45mm वाला है और जो एप्पल वॉच एसी है वो भी मेरे पास 44mm वाला ब्लूटूथ वर्जन है। तो दोनों में बॉक्स में आप जो डिफरेंसेस बेसिकली आप देख पाओगे, इसका बॉक्स थोड़ा भारी है। दोनों में चार्जिंग एडाप्टर के सिवा और चार्जिंग जो वायरलेस चार्जिंग डॉक है उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये दो वॉचेस में मैंने कुछ एक्सेसरीज लगाया है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों में और कुछ थर्ड पार्टी बैंड्स। ये काफ़ी आसानी से आपको अमेज़न से मिलेंगे, तरह तरह के मिल जाएंगे। और बाकी वॉच में क्या फंक्शंस है, कौन सा यूज़फुल है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सैमसंग का जो ग्लास है और एप्पल का जो ग्लास है, अगर आप बैक साइड में देखो, एप्पल का वॉच का एसी का जो ग्लास है ये सिरामिक ग्लास है। फ्रंट एंड बैक में आपको सिरामिक ग्लास मिलता है आयन स्ट्रेंथ वाला, तो ये काफ़ी प्रीमियम है और इसका जो प्रोसेसिंग है काफ़ी प्राइसी है, इसके वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आपको सिर्फ हार्ट रेट सेंसर ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सैमसंग का जो बैक है ये आपको गोरिल्ला ग्लास DX वाला है। ऊपर और नीचे गोरिल्ला ग्लास DX है और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्किंग किया हुआ है। और ये आपको पीछे सेंसर्स काफ़ी मिल जाएंगे, ECG, SpO2, हार्ट रेट, सारे सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फंक्शनलिटीज इसमें ज़्यादा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो मेरे पास ये एप्पल वॉच का स्पेस ग्रे वर्जन है और मुझे यहाँ पे गैलेक्सी वॉच 3 का स्टेनलेस स्टील वाला मिस्टिक सिल्वर वाला वर्जन है। एप्पल वॉच में आपको एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिल जाएंगे, ये ब्लैक वाला जो वर्जन है आप देख सकते हो, मैंने इसे कुछ थर्ड पार्टी बैंड लगाया है। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा फिनिश है, मैट फिनिश है पूरा ओवरऑल बॉडी का एल्युमिनियम में और काफ़ी अच्छा दिखता है। और साइड्स में ऐसे स्पीकर्स ग्रिल है, एक साइड्स में माइक्रोफोन है और आप बड़े आसानी से ये जो यहाँ पे छोटा सा बटन दिया गया है पीछे, इसको प्रेस करके आप इसका बैंड स्लाइड आउट करके निकाल सकते हो। आप कोई भी बैंड इस हिसाब से थर्ड पार्टी बैंड खरीद के आप लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा मुझे स्पोर्ट्स बैंड्स की तरह दिखता है। तो ये जो स्मार्ट वॉच है एप्पल का, इसके बारे में मैंने बात किया। चलिए आप अगर देखते हैं गैलेक्सी वॉच 3 के बारे में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रीमियमनेस तो एप्पल वॉच की तरह उतना स्लीक नहीं, लेकिन एक प्रॉपर वॉच की तरह आपको दिख जाएगा। ये मिस्टिक सिल्वर वाला आपका स्टेनलेस स्टील वर्जन है और साइड्स में थोड़ा मैट फिनिश है। और इसका जो बैंड निकालने का जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत आसान है, एक क्विक रिलीज़ वाला ये जो बैंड्स आते हैं ये भी अमेज़न में बहुत सारे मिलते हैं। आप इसको प्रेस करो और इसको पुश करके निकाल लो, बहुत ही आसान है, क्लिक करके आवाज़ हो जाएगा तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि बैंड्स आपके प्रॉपरली बैठ चुका है। आपका जो बैंड जो बॉडी का क्वालिटी है इसमें देख सकते हो आप, ऊपर आपका साइज में दो बटन है। गैलेक्सी वॉच में आपको 1.4 इंच वाला एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगा और एप्पल वॉच एसी में आपको 1.78 इंच वाला एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो एप्पल वॉच एसी का स्क्रीन थोड़ा बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं लगता है और ऐसा कुछ पीछे से आपका दिखता है। शानदार आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए ग्लास बैक है, इसमें 22mm वाला वॉच बैंड सपोर्ट करता है। और ये आपको पिन जो है, एक थर्ड पार्टी पिन अगर आप लगा लो तो उसके साथ एडाप्टर अगर आप लगा लो तो उसके साथ आपको ये भी 22mm वाला वॉच बैंड आपका एप्पल वॉच एसी में सपोर्ट कर लेगा। तो गैलेक्सी वॉच 3 के अगर बारे में बात करो, देखते हो आप साइड में दो बटन हैं और ऊपर एक रोटेटिंग बेजल्स, ये नेविगेट करने के लिए बहुत आसानी है। और यहाँ पे आपको जो क्राउन है, डिजिटल क्राउन एप्पल का काफ़ी मशहूर है, ये एक अच्छा USP है, इसके ज़रिए आप नेविगेट कर सकते हो। दोनों का जो नेविगेशन फंक्शन है बहुत ही डिफरेंट है। एप्पल के वॉच के साइड में एक पावर बटन भी है, तो बटन्स दोनों हैं और एक नेविगेशन वाला व्हील जो इसमें डायल में बेजल के हिसाब से दिया गया है और एप्पल वॉच में एक क्राउन में दिया गया है। तो
बेसिकली तीन फंक्शंस वाला आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा। स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करने से पहले अगर हम लोग एक बार इसके चार्जर के बारे में देख ले, तो ये दोनों का चार्जिंग मेकानिज़म कुछ सेम है वायरलेस वाला, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये इस दोनों का चार्जर है, वाइट वाला ऑब्वियसली एप्पल वॉच का और ब्लैक वाला सैमसंग का। सैमसंग का जो वॉच है पीछे थोड़ा मैट फिनिश जैसा है और पीछे कुछ लिखा है, स्टिकर वगैरह है, लेकिन एप्पल वॉच का जो है प्लेन है, काफ़ी प्लेन है। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोनों का ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो वायर का लेंथ है वो भी सही है। सैमसंग का जो वॉच है इसमें आपको यूएसबी टाइप ए वाला आपको एंड देखने को मिल जाएगा, और एप्पल वॉच में आपको टाइप सी वाला। तो ये एक एडवांटेज है एप्पल वॉच का कि आप कोई भी टाइप सी वाला पोर्ट से, आप आजकल तो टाइप सी का ज़माना है, तो आप टाइप सी वाला अडैप्टर में इसको लगा के आप आसानी से चार्ज कर सकते हो। और सैमसंग में आप देख सकते हो चार्जर थोड़ा बड़ा है, चार्जर का जो डायमीटर है तो वो थोड़ा बड़ा है, और एप्पल का जो चार्जिंग डायमीटर है वो थोड़ा छोटा है। एप्पल का वॉच का जो चार्जिंग का जो ड्रॉक का जो सरफेस है वो थोड़ा ग्लॉसी है, और सैमसंग का मैट फिनिश वाला है। तो दोनों वॉच के चार्जिंग मेकानिज़म में मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला कि एक के चार्जर में आप दूसरी वॉच को चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि दोनों ही वॉच वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन अपने ही अपने चार्जर में ये चार्ज होगा। यहाँ तक कि कोई भी थर्ड पार्टी वायरलेस चार्जर खरीद के भी आप इस वॉचेस को चार्ज नहीं कर सकते हो ऑन द गो। अगर आपके ऑफिस में या कहीं भी वायरलेस चार्जर दिख जाए तो आप इसको रख के चार्ज नहीं कर सकते हो। ये दोनों ही मैग्नेटिक है, वायरलेस चार्जिंग है। ये एक सुविधा है कि इसको आसानी से आप प्लेस करके चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग में कुछ डेढ़ घंटे करीब लगता है दोनों ही वॉच में फुल चार्ज होने में 0 to 100। एप्पल वॉच का थोड़ा कम लगता है, सैमसंग वॉच का थोड़ा ज़्यादा, और लेकिन एप्पल वॉच को मैंने 20 वॉट चार्जर वाला चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ, फिर भी वो मायने नहीं रखता। ये आप देख सकते हो एक के चार्जर में, एक चार्जर में दूसरे वॉच आपको चार्ज नहीं होंगे, लेकिन दोनों ही आपका वायरलेस चार्जर है। जैसे एक मैग्नेटिक सेम मैग्नेटिक पोल होने से एक दूसरे को धकेल देता है, कुछ इसी तरह इसका रिएक्शन आ रहा है। तो ये मुझे कुछ खास यूज़फुल नहीं लगा। अगर एक यूनिवर्सल चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग का मतलब होता है कि यूनिवर्सल चार्जिंग के हिसाब से ये सपोर्ट करे, लेकिन कोई यूनिवर्सल चार्जिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अलग से चार्जर आपके साथ कैरी करना पड़ेगा। मैंने सारे स्क्रीन स्पेक्स ऑन स्क्रीन मेंशन किया है। एप्पल वॉच का जो मोस्ट हाईलाइटेड फीचर्स है 32 GB वाला इनबिल्ट स्टोरेज, जो सॉन्ग्स वगैरह स्टोर करने के लिए बहुत आसान होता है, बहुत यूज़फुल होता है। और उसी तरफ अगर हम गैलेक्सी वॉच 3 के बारे में बात करें, तो इसमें सेंसर्स में ज़्यादा फोकस किया गया है। हार्ट रेट, ECG, SpO2 सारे सेंसर्स यहाँ से मौजूद है, जो एक प्रैक्टिकल स्मार्ट वॉच के हिसाब से बहुत ही काम आता है। एक और पॉइंट, गैलेक्सी वॉच में अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो वो डिस्प्ले हो जाता है पिक्चर्स के साथ भी, लेकिन एप्पल वॉच में वो ब्लरी होकर आता है। एप्पल वॉच का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है। एक बार देख लेते हैं दोनों वॉचेस में कौन से वॉच सबसे जल्दी, कौन से स्मार्टफोन सबसे जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो मैंने एक टाइमर में सेट करके रखा है, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों वॉच एक ही साथ चालू करने का, लेकिन कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है। और मैंने एप्पल वॉच को थोड़ा पहले ही चालू कर दिया, और लगभग 10 सेकेंड बाद मैंने सैमसंग गैलेक्सी वॉच को स्टार्ट किया। दोनों वॉच के जो नीचे वाला बटन है वही पावर बटन है, और सैमसंग वॉच यहाँ पे चालू हो गया। सैमसंग का वॉच का लोगो का आ रहा है, और एप्पल वॉच का भी लोगो आपको दिख रहा है स्क्रीन में। और ये ऑन होने में देखते हैं कितना देर वक्त लगाता है। सैमसंग वॉच में टाइजन OS है, और एप्पल वॉच में एप्पल का वॉच OS। तो सैमसंग वॉच मुझे थोड़ा फास्ट लगता है, एक वाइब्रेशन भी आ रहा है इसमें। और जैसे ही वाइब्रेशन आया और ये सैमसंग का वॉच फेस आ गया, एप्पल वॉच अभी भी काफ़ी पीछे है, और लगभग 40 सेकेंड के बाद ये एप्पल वॉच आपका चालू हो गया। तो दोनों में डिफरेंसेस 10 सेकेंड का है। और एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों वॉच में से कौन सा जल्दी टिल टू वेक फंक्शन में काम करता है। तो गैलेक्सी वॉच में थोड़ा सा लैगी लगता है मुझको, थोड़ा सा देर होता है, लेकिन एप्पल वॉच में ये बहुत ही स्मूथली काम करता है और बहुत एक्यूरेट है। स्मार्ट वॉच का मेन फीचर होता है नोटिफिकेशन हैंडल करना, और दोनों ही वॉच ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है। एप्पल वॉच में आप देख सकते हो साइड में एक डिजिटल क्राउन में इस कॉल का फंक्शन है, तो आप इसको स्क्रॉल करके पूरा मैसेज अब पढ़ सकते हो।
और सैमसंग वॉच में आपका बेजल जो है इसमें आप रोटेट करके आप मैसेज को नेविगेट करके मैसेज को पढ़ सकते हो। तो दोनों वॉच में ये दोनों फंक्शन है, ऊपर वाला बैक बटन है और एप्पल वॉच का नीचे एक मल्टीटास्किंग का बटन भी दिया गया है कि कोई भी टास्क में कोई भी ऐप से आप अगर स्विच करना चाहो दूसरे ऐप्स में तो ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो फंक्शनलिटीज़ के मामले में दोनों ही वॉच को काफ़ी अच्छे रूप से अपने कंपनी ऑफर किया है और दोनों ही वॉचेस काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, आसानी से आपका सारे नोटिफिकेशन हैंडल कर लेता है। लेकिन मुझे सैमसंग का नोटिफिकेशन हैंडलिंग थोड़ा बेहतर लगा क्योंकि जैसे मैंने बताया था इसमें इस वॉच जो अगर कोई व्हाट्सएप में कोई इमेजेस आए उसका पिक्चर भी आपको दिख जाएगा, लेकिन एप्पल वॉच में वो पिक्चर नहीं दिखेगा या वो ब्लरी होके आएगा। वॉच फेस चेंज करने का जो ऑप्शन है सैमसंग का थोड़ा लैगी है, थोड़ा देर से काम करता है, लेकिन एप्पल का बहुत स्मूथ है। लॉन्ग प्रेस करके आप होल्ड करो तो आप आसानी से मल्टी वॉच फेसेस देख सकते हो, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो डिजिटल क्राउन के ज़रिए एप्पल वॉच का या फिर रोटेटिंग बेजल के ज़रिए गैलेक्सी वॉच का। जो वॉच फेसेस का कलेक्शन है सैमसंग के जो वॉच फेसेस का कलेक्शन है टाइजन ओएस के बावजूद सैमसंग के वॉच में आपका जो वॉच फेस का कलेक्शन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन एप्पल के वॉच में कुछ खास नहीं। आप एक ही तरह का कोई सारे वॉच फेसेस है, आप मॉडिफाई कर सकते हो उसके कलर्स को। थर्ड पार्टी ऐप्स कुछ मिलेंगे आपको लेकिन उससे भी बहुत कम फीचर्स हैं। एक कमाल का फीचर है कि दोनों वॉच में ही है ये, अगर आप पानी घुस जाए आपके स्पीकर ग्रिल में तो वहीं उसी से आप स्पीकर के ग्रिल के वाइब्रेशन के ज़रिए आप वहाँ से पानी निकल सकते हो। ये भी सेम तरह का एक मेकानिज़म दिया गया है, स्पीकर का वाइब्रेशन को यूज़ करके ये काम करता है। ऐप सैमसंग वॉच का जो ऐप ड्रॉयर है कुछ इस तरह है, सर्कुलर शेप में आता है, इसको आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट व्यू भी कर सकते हो और नेविगेशन बटन के ज़रिए आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आप बात करो एप्पल वॉच का तो डिजिटल क्राउन को प्रेस करके ही इसका ये ऐप ड्रॉयर आ जाएगा। यहाँ से ऐप देखना सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कोई भी ऐप अगर आप सिलेक्ट करना चाहो पिंच टू जूम फंक्शन इसमें नहीं है तो यहाँ से आप ऐप स्विच कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको जाना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन इसमें भी आपको लिस्ट व्यू का सुविधा है, अगर आप चाहो तो चेंज करके यूज़र इंटरफेस का जो सेटिंग्स है वो चेंज करके आप लिस्ट व्यू में एप्पल वॉच का जाके ऐप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बता रहा था एप्पल वॉच का गैलेक्सी वॉच का जो वॉच फेसेस है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन है, थर्ड पार्टी कलेक्शंस भी है, लेकिन एप्पल वॉच में वो कलेक्शंस बहुत ही लिमिटेड है आपको मिलेंगे, ज़्यादातर कुछ नहीं मिलेंगे। और इसका पैटर्न जो है वो सर्कुलर नहीं है, वो आपका ऐसे रेक्टेंगल शेप का है, तो ये भी एक लिमिटेशन है आपका वॉच फेसेस के सिलेक्शन के बारे में। और अगर आप बात करें एप्पल वॉच का जो इंटरफेस है जो एक फ़ोन से आपको कंट्रोल करने में मदद करता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये है इसका वॉच फेसेस का एंटायर कलेक्शन जो आपका एप्पल वॉच का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। आप कोई भी वॉच कोई भी आपका गैलरी से कोई भी पिक्चर लेके आप दोनों ही वॉच में आप अपनी वॉच फेस के हिसाब से सेट कर सकते हो, पर्सनलाइज पिक्चर आप डाल सकते हो। और यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने का थोड़ा और ऑप्शन दिया है एप्पल वॉच में। और यहाँ पे आप सारे ऐप्स जो भी आप लोड करोगे सारे इस पे लोड हो जाएंगे। एप्पल वॉच में आपका ऐप्स का सपोर्ट ज़्यादा है, तरह तरह का ऐप इस पे सपोर्ट कर लेता है और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। उबेर जैसे ऐप्स का भी फीचर्स इस पे सपोर्ट कर लेता है। तो एप्पल वॉच में एक प्रॉपर स्मार्टफोन के तरह प्रॉपर स्मार्ट वॉच के तरह सारे आपका जो ऐप्स है इसमें सपोर्ट कर लेगा, लेकिन सैमसंग में टाइजन ओएस बेस है तो इस पर कुछ कुछ आपका नहीं सिलेक्ट ऑप्शन आप नहीं देख पाओगे, कुछ कुछ ऐप्स आपको इसमें नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया से सब कुछ हैंडलिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही वॉच में आपको एप्पल वॉच में गूगल मैप्स का सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन सैमसंग के वॉच में नहीं। मैप्स के सपोर्ट सैमसंग के वॉच में नहीं मिलने का ही बराबर है, लेकिन एप्पल वॉच में आपको एप्पल मैप्स का भी सपोर्ट या फिर गूगल का जो मैप्स है उसका भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों ही वॉच में आपको बेहतरीन एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा लेकिन गैलेक्सी वॉच में आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। आखिर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बैटरी स्टैंड बाय,
इसके बारे में अगर बात करें तो एप्पल वॉच में कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, तो यही इसका एक एडवांटेज है कि थोड़ा बैटरी स्टैंड बाई थोड़ा ज़्यादा देने का, सेंसर्स भी इस पर कम है तो बैटरी स्टैंड बाई इसमें थोड़ा ज़्यादा देता है, मार्जिनली थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैंने दोनों वॉच को अपने काम के दिनों के हिसाब से वीकडेज में सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक ऑन रख के पहना हुआ है। मेरा गैलेक्सी वॉच मेन फ़ोन के साथ, मेरा जो प्राइम फ़ोन है उसी के साथ कनेक्ट था, तो उसमें नोटिफिकेशन ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें 3 दिन का बैटरी स्टैंड बाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। लेकिन एप्पल वॉच में मुझे नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन कुछ उतना ज़्यादा नहीं जैसा कि मेरे गैलेक्सी वॉच में आता है, लेकिन फिर भी 3.5 दिन का बैटरी स्टैंड बाय मुझे एप्पल वॉच में मिलता है। तो दोनों का बैटरी स्टैंड बाय मार्जिनली एप्पल वॉच का थोड़ा बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों का सेम ही है फंक्शनैलिटीज़, क्योंकि आपको फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स और सेंसर्स आपको गैलेक्सी वॉच में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा वीडियो एप्पल वॉच और एसी और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 के बारे में। कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।